मैडम ओझा विला किधर है क्या बता सकती हैं? यही ओझा विला है। चलो 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 यही है, आ गया, उतारो सब सामान यहीं पर। कम पड़ेंगे इस घर के लिए। काय को? क्योंकि इस घर में एक नहीं दो दो शादियां हैं। दो शादियां? पर कल तक तो एक ही शादी हो रही थी। वैसे क्या आप इसी घर से हैं? अभी तो नहीं पर जल्द हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो भाई चलो। ए अरे ईशा ने कहा था वो सागरपुड़े में आने वाली है, लेकिन कैसे? दैमा, अगर वो आएगी गिरा और मॉम के सामने तो पकड़ी जाएगी। हाँ ना, मेरे को तो वही डर लग रहा है, लेकिन अगर उसने कहा है तो आएगी पक्का। से कौन है इधर? एमेलिया बोलना, सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? तू है क्या लड़के वालों की तरफ से? हाँ मैं। अगर है तो लड़के वालों की तरफ से, पर दिखने में बिल्कुल दूल्हे जैसा लगता है। कैसा लगता है दूल्हा? अरे तू भी कुंवारा, मैं भी कुंवारी, चल अपन ही दोनों शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शादी? अरे शादी हम? अरे तू मेरा दादा और मैं तेरी बहना, राम मिलाए जोड़ी, तू चिकना और मैं तेरी बुढ़ी। हेलो माता जी, आप ये क्या कह रही है? शर्म नहीं आती? अपनी उम्र तो देखिए, अब यहाँ कैसे आएंगे? एमेलिया दरवाजे से आई, और किधर से आई? दरवाजे से तो आ रही है, लेकिन यहाँ क्यों है? अभी अपने दिल में भी आने देना। आप क्या कह रही है? अरे तुम बोलो ना, अच्छा लगता है? कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ये क्या कह रही है? अब साफ साफ बताइए, आप है कौन? सगाई जो रोकनी है। क्या रोकनी है? सगाई जो रोकनी है। अरे मौसी, या या या, हलो हलो, हाँ हलो हलो, हाँ बड़ा हलो। अरे देखो ही माझे मौसी है।
कोल्हापुर से आई है सावित्री बाई। अरे अजी, हाँ कितने दिन हो गए? तू तो आता ही नहीं कोल्हापुर, किधर नहीं आता? कोल्हापुर अभी आएगा ना तेरी सुनबाई को लेकर। तू रेवती ना? जब जानती हो तो बोल क्यों रही हो? बहुत सुना रहे तेरे बारे में, बहुत मस्त लगा तेरे से मिलके। कैसा लगा? मस्त। लेकिन लेकिन तुम कर क्या रही हो? गले लग रही है और क्या कर रही है? तुम गले नहीं लग रही हो, तुम गले पड़ रही हो। आ, ये ईरा होगी। सुरेखा भाई, मैं सुरेखा भाई, मैं माझा नाव सुरेखा। हाँ, सुरेखा बोली मेरे को कि शर्वन की होने वाली दुल्हन बहुत सुंदर है। ये पर तू तो उससे भी अच्छी है रे। अरे ये शर्वन की होने वाली दुल्हन नहीं है, ये तो मेरे बेटे की होने वाली बहू है। ना कोरे, मेरे को तो ये शर्वन के लिए ही पसंद है। आप किस टाइप की बात कर रही हो? इन लोगों की शादी पक्की हो गई, ये मेरे बेटे की होने वाली दुल्हन, ये उसकी दुल्हन। अब सब कुछ साफ साफ हो गया कि कौन किसकी दुल्हन है। हाँ, मैं तो इधर सब साफ ही करने को आई ना। साखरपुरा का मुहूर्त 5 बजे का है, 10 मिनट शेष रह गए, आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे देवा रे देवा, चलो 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 सब लोग बैठ जाओ, साखर पूरा शुरू कर देते। बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे हीरा, जाके शक्कर वाला कटोरा लेके आ। जल्दी ना। ओम सर्वे मंगले मंगले सर्वे सर्वार्थ साधिके, चने तंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आपकी होने वाली बहू के घर से जो शक्कर आई है वो आपके बेटे की जिंदगी में मिठास ही मिठास भर दे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा स्वस्ति न भूखा। मिठास का बात चालू है, तेरा थोबड़ा ऐसे चुसले आम की जैसे काई को हो गया। क्या हो गया? नहीं कुछ भी तो नहीं। अरे मैं सब देख लेती है, तेरे को अच्छा नहीं लगा ना कि शवन का मंगनी हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं चेहरे से दिल की बात जान लेती है, क्या कर लेती है? दिल की बात? पर कुछ नहीं, मैं तेरी जगह होती और मेरे को नहीं मंगता कि शर्वन किसी और का हो, तो मैं ये मंगनी रोक देती। क्या कर देती? अब लड़का लड़की एक दूसरे को मिठाई खिलाए।
अरे अब क्या हुआ? श्रवण को बर्फी पसंद नहीं है, उसे मावा पेड़ा पसंद है। लो श्रवण, मावा पेड़ा खा लो। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर शकरपुड़ा और सगाई की रस्म पूरी कीजिए। हाँ हाँ, इधर जा, जरा अंगूठी लेके आ। अरे जा ना। अंगूठी दे। अब लड़का पहले लड़की को अंगूठी पहना है। अंगूठी, अंगूठी। अरे इतनी जरूरी चीज नहीं संभाल सकता क्या रे श्रवण? तू भी दाइमा, दाइमा मिल गई मुझे अंगूठी। मेरे को तो नहीं दिखा दे रही। अरे मैं लेके आती हूँ ना। किधर है? क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ कुचल दिया। अगर सॉरी बोलती है? क्या बोलती है? सॉरी। मैं ये बोल के आ रही हूँ। अंगूठी, अंगूठी कहाँ है? किधर है? जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा। इरा, तेरे को मिली अंगूठी? किधर है? अंगूठी मिली थी तेरे को, पंतू ने जानबूझ के दी नहीं। सच कह रहा ना मैं? इरा, तेरे को मिली अंगूठी? किधर है? नहीं, मुझे मुझे नहीं मिली। ये सब मैं क्या कर रही हूँ? अंगूठी दे क्यों नहीं देती? होने क्यों नहीं देती श्रवण की मम्मी? वो क्या है मेरे दिल में जो मुझसे ये सब करवा रहा है? राम राम, 5 बज गए, मुहूर्त निकल गया, अब ये रस्म पूरी नहीं हो सकती। जाने दो, एक ही दिन की तो बात है, अब साखरपुड़ा वगैरह कुछ नहीं, कल सीधा शादी कर लेते। बात आप सही कह रही, मैं कल आता हूँ। वैसे आशा करता हूँ कि शादी में कोई विपत्ति नहीं आएगी।
श्री कृष्ण। अच्छा दाई माँ, मैं भी चलती हूँ, काफी तैयारी करनी है कल की। अगो, सबसे पहले हाथ में मलम लगा लेना। क्या लगा लेना? मलम? हाँ। एक भूतनी क्या कम थी जो ये चुड़ैल भी आ गई है। हमें जो आखिरी सबूत चाहिए था वो हमें मिल गया। ईरा नहीं चाहती कि श्रवण किसी और का हो। समय हो गया श्रवण, अब उससे अपने दिल की बात कहलवानी होगी। अभी अभी तुम जाओ श्रवण। ठीक है, जाता है मैं। ऐसे मानना पड़ेगा। क्या कह रही थी तुम? श्रवण, क्या मैं यहाँ बैठ सकता है? हाँ हाँ बैठो ना, क्यों नहीं। वो क्या है ना, आज मेरा मंगनी नहीं हो पाया करके थोड़ा डाउन फील कर रहा मैं। ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है। हाँ इत्तेफाकिच तो है, कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। नहीं किया ना जानबूझ के। देखा, अंगूठी मिली थी तेरे को, पंतु ने जानबूझ के दी नहीं। सच कह रहा ना मैं। मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, श्रवण। I love you. अंगूठी मिली थी तेरे को, पंतु ने जानबूझ के दी थी। सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ ये सच है कि वो अंगूठी मुझे मिली थी, पर मैंने किसी को दी नहीं। क्यों नहीं दी रहा? अगर तू आज अंगूठी देती तो मेरी मंगनी हो जाती रति के साथ। क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मंगनी हो या शादी हो। रति के साथ भी या किसी और लड़की के साथ। तू ऐसा काय को नहीं चाहती थी? क्योंकि मैं चाहती थी तुम हमेशा मेरे रहो। मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
श्रवण, मुझे नहीं पता कब से कैसे पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। यही वजह हो सकती है मेरी सब कुछ करने के लिए। मेरे दिमाग में से ऐसे ख्याल आने की मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आदतें मुझे अच्छा लगने लगा। बताया क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि अब तक ये बात मुझसे भी छुपी हुई थी, पर अब मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, श्रवण। I love you.